बटरफ्लाईज आप सबको पसंद है. आपको ये पता है कि बटरफ्लाई शेप का एक हार्मोन हमारे बॉडी में है, हमारे नेक पे है. तो ये हार्मोन कई बार गड़बड़ा जाता है. तो ये हार्मोन जब गड़बड़ा जाता है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है. गोइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बहुत ही लोगों को हिट कर रहा है, तंग कर रहा है. और जो आज का टिप है वो यही प्रॉब्लम को अवॉइड करने में आपको हेल्प करेगा. सो आपको करना क्या है, पेन पेपर ले लीजिए और जल्दी से जॉट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट स्टेप है रेड अनियन जूस. रेड अनियंस होते हैं हमारे घरों में, सबके पास प्याज हैं, लाल प्याज हैं. लाल प्याज को आधा काटिए और उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए. वो जूस अगर आप पियेंगे तो डेफिनेटली जो आपका थायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट होगा, थायराइड ग्लैंड आपका स्टिमुलेट होगा और आपको थायराइड बिलो करने में, मतलब जो थायराइड की वैल्यू जो है, जो आपका TSH जो बढ़ रहा है, T3 T4 जो बढ़ रहा है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो रेड अनियन जूस के अलावा एक और टिप है हमारे पास, वो है हरा धनिया का पानी. धनिया तो हमारे सारे फ्लेवर्स, हमारे सारे डिशेज में डलता है और धनिया सबको ही पसंद है. धनिए और जीरे को आप पानी में उबाल लीजिए और वो पानी आप पूरे दिन में 6 ग्लास पीजिए और देखिए आपका थायराइड कैसे इम्प्रूव होता है. थायराइड को अगर आप परमानेंटली करेक्ट करना चाहते हैं, उनकी वैल्यूज को करेक्ट करना चाहते हैं, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस करे, तो उसको आपको क्या करना है, आपको लेना है ग्लूटेन फ्री डाइट. ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं, डाइटिशियन श्रेया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7307303835 पर, या आप हमारे क्लिनिक में आइए, हमें अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन भी आप. तो डेफिनेटली अगर आपको किसी को हेल्प करना है, आपके नोन में कोई थायराइड से सफ़र कर रहा है पर्सन, तो ये वीडियो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.